नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जवान को रिलीज हुए आज पूरे 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन 8 दिनों के बाद भी जवान कमाई के मामले में रुकने का नाम नहीं ले रही है और कमाई पे कमाई किए जा रही है। जवान ने रिलीज होते ही पहले ही दिन 75 करोड़ की कमाई करके सबका मुंह बंद कर दिया और ओपनिंग डे पर ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इतना ही नहीं, रविवार वाले दिन तो जवान ने कमाल ही कर दिया। रविवार वाले दिन इसने अपनी ओपनिंग डे से भी ज्यादा कमाई की। बीते रविवार को जवान ने कुल 82 करोड़ की कमाई की। लेकिन इन सबके साथ ही सबसे मजेदार बात यह है कि जवान गदर 2 को अभी तक कोई भी बेहतरीन झटका नहीं दे पाई है। हालांकि सबको ऐसा लग रहा था कि जवान के रिलीज होने के बाद गदर 2 की कमाई एकदम जीरो हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जहां गदर 2 को रिलीज हुए आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी गदर 2 अपने 1-2 दिनों में लगभग 1-2 करोड़ की कमाई आसानी से कर ले रही है। हालांकि आमतौर पर कोई भी मूवी सिनेमाघरों में केवल 1 महीने ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाती है, लेकिन गदर 2 एक ऐसी मूवी है जो 1 महीने के बाद भी लगातार अच्छी कमाई कर रही है। अभी तक सनी पाजी की फिल्म गदर 2 ने टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 680 करोड़ का कर लिया है। हालांकि ये बात अलग है कि जवान कुछ ही दिनों में सनी पाजी की फिल्म गदर 2 से भी ज्यादा की कमाई कर लेगी, क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म जवान ने मात्र 7 दिनों में ही 650 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है और 1-2 दिनों में ये गदर 2 को भी आसानी से पीछे छोड़ देगी। फिल्म का इतना फेमस होने का कारण एक यह भी है कि शाहरुख खान बॉलीवुड में और विजय सेतुपति साउथ फिल्मों के सुपरस्टार हैं, जिस कारण से शाहरुख खान की वजह से फिल्म बॉलीवुड में और विजय सेतुपति की वजह से फिल्म साउथ इंडस्ट्री में अपना धमाल मचा रही है। हालांकि अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अगर फिल्म इसी तरह चलती रही तो ये सितंबर के लास्ट तक लगभग 1000 करोड़ की कमाई आसानी से कर लेगी। इसके साथ ही अभी हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में विजय सेतुपति ने SR को यानी कि शाहरुख खान को धन्यवाद कहा। आगे विजय सेतुपति ने कहा कि SR के यानी कि शाहरुख खान के साथ काम करके उन्हें बड़ा ही मजा आया। क्या आपने अभी तक शाहरुख खान की फिल्म जवान को देखा या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।